विद्यार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। ITC पेप्सिको बिग बास्केट जैसी कंपनियों ने न्योता दिया और मल्टीनेशनल कंपनियां सीधे किसानों से खरीदेंगी उनका फसल। यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां होंगी, ये आपके स्क्रीन पर सीधे दिख रहा है कि किसानों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो यूपी में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीधे किसानों का फसल खरीदेंगी और उन्हें सुविधा देंगी, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वहीं पर अगली खबर एक बड़ी खबर है UPSSC की तरफ से, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की खबर है कि नए साल में PET 2022 वालों के लिए बम्पर भर्तियां होंगी और PET परिणाम दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में देने की तैयारी होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में शमोगा की रिक्तियों का त्यौहार बम्पर रहा और यहाँ पर 15,000 रिक्तियों का प्रस्ताव आयोग के पास पास हो चुका है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विभिन्न विभागों के गैर रिक्त पदों पर प्रस्ताव पहुँच गए हैं और इन प्रस्तावों पर भी मिलान कराया जा रहा है और खामियां विभाग द्वारा दूर कराए जा रहे हैं, जिसमें PET परिणाम आने के बाद विज्ञापन निकालने के दौर शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 वालों के लिए नए साल में भर्तियों का रास्ता खुलेगा। इससे पहले दिसंबर की आखिरी या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में परीक्षा का परिणाम देने की भी बात की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर इस पूरी खबर को आप पढ़ सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर और यहाँ पर बात किया जा रहा है साइबर ठगी की और पीड़ितों को अब जल्द मिलेगा न्याय, यानी कि CM ने साइबर अपराध को नियंत्रण के लिए दिए कई कड़े निर्देश। यहाँ पर देख सकते हैं साइबर निरीक्षक के ये सारे टोल फ्री नंबर हैं, आप यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो अग्निवीर में चौथे दिन सफलता का ग्राफ कुछ बढ़ा और बच्चों की संख्या बढ़कर 367 हो चुकी है, यानी कि चौथे दिन बच्चों ने सोनभद्र के और घोरावल और देवरियों के अभ्यर्थियों की भर्ती में दौड़ के लिए 367 अभ्यर्थी पास किए गए। अगली खबर की बात करें तो अम्बेडकर विश्वविद्यालय में शुरू होगा 4 वर्षीय BA और BEd पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पहले चरण के लिए दी मंजूरी और शुरुआत में 100 सीटों पर दाखिला होना है। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर वयस्कों के लिए आधार कार्ड बनवाना अब मुश्किल होगा, ये एक बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि अगर आप वयस्क का मतलब होता है कि 18 वर्ष से बड़े, तो ये खबर आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, आशीष गुप्ता की रिपोर्ट है। आपको बता दें खास बात, अगर 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो आधार की प्रक्रिया अब उनके लिए कठिन होगी। पासपोर्ट की तरह वेरिफिकेशन के सिस्टम बनाने की तैयारी की जा रही है। राज्य स्तर पर UIED नामित करेगा नोडल अधिकारी। और आपको बता दें कि जिले में DM द्वारा नामित अधिकारी तहसीलों से सत्यापित कराएगा और 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए रजिस्ट्रेशन और अपडिग्रेशन का कोई भी बदलाव नहीं है, यानी कि जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो अब अगर आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। आइए जानते हैं वो समस्या क्या होगी आज के इस वीडियो में। वयस्कों का आधार बनाना अब ज़्यादा मुश्किल होगा और पासपोर्ट की तरह कड़ी जांच पड़ताल की जाएगी। सत्यापन के बाद ही आधार कार्ड बन पाएगा और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार बनाने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। आधार के बढ़ते महत्व और दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए UIDA के वयस्क नागरिकों के आधार पर नामांकन के नियमों में बदलाव किया गया है। 18 वर्ष से नीचे की उम्र वालों के आधार नामांकन अपडेशन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ये आधिकारिक सूचना है और आपको इन नियमों का पालन करना होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से पहले है तो आप जैसे आधार कार्ड बनवाते हैं वैसे बनवा सकते हैं, अन्यथा आपके लिए दिक्कत होगी। ये सूचना आपके लिए थी। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो 29,334 शिक्षक भर्ती हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है। और यहाँ पर बात की जा रही प्रसिद्धि उच्च प्राथमिक स्कूलों में 11 जुलाई 2013 के शुरुआती विज्ञान व गणित विषयों के 29,334 शिक्षक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवाद बना हुआ है और इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती के शामिल किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया या फिर नहीं किया गया। यदि किसी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो उसका कारण बताओ, ये ऐसा कुछ यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर की बात करें तो भारतीय युवाओं के लिए 10 देशों में खुलेंगे रोजगार, ऐसा यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रहा है। लक्षित देशों की जो औसत आयु है, ऑस्ट्रेलिया 37.5 वर्ष, फ्रांस में 41.7 वर्ष,
तो ये पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें भारतीय युवाओं को अच्छा खासा लाभ होने वाला है। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर सीनियर कॉन्स्टेंट मैनेजर इत्यादि के पद हैं। 259 पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आके कर सकते हैं। और आपको बता दें कि AIMS भुवनेश्वर में 67 पद अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो प्रोफेसर सहयोगी प्रोफेसर अन्य पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो आज की बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मित्रों कल की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।